नमस्ते, मैं हूं पाल रोहतगी। जी हाँ, आज मैं आपके साथ बात करना चाहती हूँ अबाउट जया बच्चन जी। जया बच्चन जी ने कुछ बोला और ऐसा बोला जो सुनकर ऑब्वियसली हम जैसे राष्ट्रवादी लोगों को अच्छा नहीं लगा। जया बच्चन जी ने कुछ नहीं बोला जब शिवसेना नेताओं ने कंगना को गाली दी। जया बच्चन जी ने कुछ नहीं बोला जब शिवसेना रूल्ड बीएमसी के ऑफिशियल्स ने जाके कंगना के ऑफिस को तोड़ दिया 24 आवर्स नोटिस के जवाब देने के बावजूद। तब जया बच्चन जी ने कुछ नहीं बोला पार्लियामेंट के अंदर। जया बच्चन जी पार्लियामेंट के अंदर सलमान खान को समर्थन देती है। वो सलमान खान जिनका रिश्ता था उनकी बहू के साथ एक समय पर ब्लैक बक पोचिंग केस में, वो जया बच्चन जी आई थिंक समर्थन करती है संजय दत्त का, जो ऑब्वियसली आर्म्स एक्ट तहत जेल गए थे जबकि उनके ऊपर टाडा का एक्ट भी लगा था, बट बिकॉज ऑफ द गुडविल ऑफ सुनील दत्त ही वॉज रिलीज आफ्टर गिवन अ जेल टर्म कंप्राइजिंग सेंटेंसिंग ऑफ आर्म्स एक्ट। तो वो जया बच्चन इन सब बातों के ऊपर बोलती है और इन सब बातों के ऊपर नहीं बोलती। मगर आज जया बच्चन ने बोला है ओवर रवि किशन जी स्पीच। नाउ रवि किशन जी इज अ वेरी पॉपुलर एक्टर इन भोजपुरी सिनेमा। ही हैज डन हिंदी फिल्म्स एंड ही वाज अ पार्ट ऑफ बिग बॉस। ही हैज अ ग्रेट फैन फॉलोइंग एंड ही इज फ्रॉम बीजेपी। तो अभी रवि किशन जी ने बोला कि जो ड्रग्स का सेवन होता है, ड्रग्स का यूसेज होता है इन बॉलीवुड, दैट नीड्स टू बी कंट्रोल्ड बिकॉज दीज ड्रग्स आर कमिंग इन टू इंडिया वाया पाकिस्तान, चाइना, पंजाब बॉर्डर्स, नेपाल बॉर्डर्स, एंड दिस नीड्स टू बी कंट्रोल्ड बिकॉज बॉलीवुड इन्फ्लुएंसेस द यंगस्टर्स ऑफ इंडिया। मगर जया बच्चन जी को शायद सुनने में कोई प्रॉब्लम हुई होगी, शायद वो कान की कच्ची होगी। उन्होंने कहा कि तुम जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो, बिकॉज ऑफ अ सर्टेन फ्यू पीपल यू कैन नॉट ब्लेम द एंटायर बॉलीवुड एंड कॉल इट अ ड्रग यूजिंग प्लेस। तो मैं जया जी को सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ, जब उड़ता पंजाब बनी थी तब राम गोपाल वर्मा से लेके करण जौहर से लेके सबने ड्रग्स का जो सेवन होता है पंजाब के अंदर उसके ऊपर टिप्पणी करी थी। क्यों? क्योंकि उनको उड़ता पंजाब पिक्चर चलानी थी। सबको पता है कि पंजाब के अंदर ड्रग्स का सेवन बहुत ज्यादा मात्रा में होता है और उसके ऊपर पिक्चर बनी। तब बॉलीवुड ने ड्रग्स के ऊपर पिक्चर बनाने के लिए सबको समर्थन किया, स्पेशली द प्रोड्यूसर्स ऑफ दैट प्रोजेक्ट, और कहा कि इस पिक्चर को बैन नहीं करना चाहिए बिकॉज द पंजाब गवर्नमेंट वॉज वॉन्टिंग टू बैन दैट पिक्चर। All said that you cannot ban reality. मगर आज जब बॉलीवुड के अंदर ड्रग्स का सेवन होता है तब उस रियलिटी को आप बैन करना चाहती है by saying that don't try to tarnish the image of that Bollywood, जो बॉलीवुड गवर्नमेंट को डोनेशंस करता है, जो बॉलीवुड गवर्नमेंट्स के साथ खड़ा रहता है। आज वही गवर्नमेंट बॉलीवुड के साथ नहीं खड़ी। एक्सक्यूज मी, क्या आप पैसा देके ब्राइबरी देके गवर्नमेंट को खरीद लेंगे? वो तो टिकटॉक वालों ने भी करने का प्रयास किया, मगर टिकटॉक को बैन कर दिया गया बिकॉज टिकटॉक वॉज अ चाइनीज एप्लीकेशन। तो सिमिलरली ब्राइब देके, घूस देके गवर्नमेंट को खरीदने की कोशिश मत करिए। बॉलीवुड के अंदर ड्रग्स का सेवन होता है, शायद आपको पता नहीं हो, मगर आपके घर में भी दो लोग हैं जो, इनफैक्ट तीन लोग हैं जो बॉलीवुड से जुड़े हुए हैं। आपकी बहू के तो बहुत अच्छे रिश्ते थे सलमान खान के साथ, आपके बेटे हैं, आपकी बेटी है, आपकी बेटी तो रिया चक्रवर्ती उस स्मॉल टाइम ड्रगी का समर्थन करती है। जी हाँ, वो भी रोजेस आर रेड वायलेट्स आर ब्लू, लेट्स स्मैश पैट्रियार्की मी एंड यू। तो आप लोग एक ड्रगी का समर्थन क्यों कर रहे हैं? क्या आप लोगों को बुरा नहीं लगता कि वो ड्रगी वॉज इन्वॉल्व इन प्रोक्योरमेंट ऑफ ड्रग्स फॉर द लेट सुपरस्टार सुशांत सिंह राजपूत? अगर आपके बेटे की ऐसी मौत हुई होती अभिषेक बच्चन की, तब आप क्या बोलती अबाउट द ड्रग्स प्रेवलेंस इन द बॉलीवुड इंडस्ट्री? मगर आप तब कुछ नहीं बोलती, मगर क्योंकि तब आप बहुत दुखी होती। तो आज आपको नहीं समझ पड़ा उस परिवार का दुख जिनका जवान मर गया बिकॉज ऑफ द होल ड्रग रैकेट इन बॉलीवुड? यू डोंट वांट टू हैव एनी काइंड ऑफ सिंपैथी विद दैट फैमिली व्हिच इज फाइटिंग फॉर जस्टिस? आप ऑब्वियसली कंगना को टारगेट कर रही है क्योंकि कंगना ने बोला कि द इंडस्ट्री इज लाइक गटर। एक्सक्यूज मी, इंडस्ट्री इज एन इंडस्ट्री एंड इन इंडस्ट्री देयर आर पीपल हु आर ऑब्वियसली लाइक गटर। तो इसमें आपको क्यों लग रहा है कि ऊपर पर्सनल अटैक हो रहा है? आपके हस्बैंड भी तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं बहुत सारे कॉन्ट्रोवर्सी के शिकार थे एंड यू हैव बीन विद हिम एंड यू नो हाउ द इंडस्ट्री वर्क्स एंड स्टिल यू वांट टू जस्ट फॉर नथिंग गो ऑन टारगेटिंग कंगना एंड रवि किशन बिकॉज दे आर स्पीकिंग द ट्रुथ फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन पब्लिक प्लेटफॉर्म्स बिकॉज ऑफ देयर सुपरस्टारडम एंड दैट देयर टॉक्स आर बीइंग
ये दोगलापन एक्सेप्ट नहीं किया जाता। आप अगर सलमान खान को सपोर्ट कर सकती हैं, संजय दत्त को सपोर्ट कर सकती हैं, अब आप जाके रिया चक्रवर्ती के समर्थन में आई हैं और सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के साथ नहीं खड़ी, कंगना के साथ नहीं खड़ी, जिसको ऑब्वियसली शिवसेना के गुंडों ने धमकी दी। जी हाँ, शिवसेना के पॉलिटिशियंस कम गुंडों ने उस औरत को धमकी दी। आप अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग वुमन कहती है, मगर क्या आप एक विमेन के लिए, वुमन के लिए लड़ती है? नहीं लड़ती। आपने कंगना के लिए एक शब्द बोला? नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? क्यों? क्या कंगना कोई पॉलिटिकल पार्टी से है? कंगना भी तो आपकी इंडस्ट्री से है ना, तो आपको तो उसका समर्थन करना चाहिए था, बीइंग अ वुमन एंड बीइंग अ सो कॉल्ड स्ट्रॉन्ग फेमिनिस्ट वुमन, मगर आपने ऐसा नहीं किया। तो जब तक किसी के साथ नहीं बीतती ना, तब तक उसे दर्द समझ नहीं पड़ता। आई रियली डोंट वॉन्ट टू विश बैड फॉर योर फैमिली। मैंने तो सुना है कि आप लोगों के बहुत सारे स्विस अकाउंट्स हैं, यहाँ भी वहां भी, इंटरनेशनली भी, तो आप लोगों का क्या कनेक्शन है विद गवर्नमेंट इन द जो सेंटर में आती है, प्रेजेंट गवर्नमेंट, प्रीवियस गवर्नमेंट, आई डोंट नो, क्योंकि मैं पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई नहीं हूँ, मैं खाली समझने का प्रयास कर रही हूँ। क्योंकि आप लोग जिस तरह से अब कह रहे हैं कि देयर इज अ कॉन्स्पिरेसी टू डिफेम बॉलीवुड, देयर इज नो कॉन्स्पिरेसी टू डिफेम बॉलीवुड, देयर इज अ कॉन्स्पिरेसी, देयर वाज अ कॉन्स्पिरेसी टू किल अ यंग टैलेंटेड बॉय हु वाज थ्रेटनिंग द पीपल इन बॉलीवुड, वी आर जस्ट राइट नाउ स्पीकिंग ऑन द वाइसेस जो बॉलीवुड के अंदर प्रेजेंट है। तो जया बच्चन जी, आप भी सुनने की क्षमता रखिए। आपको भी कभी लगता है कि जब आपके हस्बैंड को कोरोना डिटेक्ट होता है तो मीडिया बैठ के रेखा के वॉचमैन के ऊपर क्यों टिप्पणी कर रही होती है, क्योंकि उसको भी कोरोना डिटेक्ट हो जाता है? डू यू अंडरस्टैंड व्हाई दिस काइंड ऑफ लेम स्टूपिड जोक्स आर मेड इवन एट दिस टाइम एंड आर? बिकॉज ऑफ द हिस्ट्री दैट योर हस्बैंड हैड विद सर्टेन पीपल। सो प्लीज अंडरस्टैंड, आप हिस्ट्री को भुला नहीं सकती, मगर अगर आप हिस्ट्री से कुछ सीखती भी नहीं है और आने वाले पीढ़ियों के लिए लड़ती भी नहीं है, जिनको ड्रग्स से दूर करने के लिए ऑब्वियसली ये पूरा पर्दाफाश किया जा रहा है बाय पीपल लाइक कंगना एंड अदर पीपल हु आर टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंस ऑफ ड्रग माफिया in Bollywood, instead of supporting them, you are obviously targeting them. It is a very, very shameful bayan that you have given in the parliament. Highly disappointed. I don't know, aapke kaan kaun bharta hai? Aapke beti bharti hai, aapke husband bharte hai, ya aapke bete bharte hai, ya aapke daughter-in-law bharte hai. Magar aap, obviously, jo sachai ki mooti ban rahi hai in the parliament, spinning a fake narrative, I would really like to know, what kind of black money does the Bachchans have, which apparently is stashed up in Swiss banks? Because ये बहुत सारी अफवाहें हैं social media पे. I really want to understand कौन सी सरकार उनको help करती है ये सब करने के लिए. Because यहाँ पर आप कह रहे हो कि Bollywood को, Bollywood सरकारों को help करता है चलने के लिए, तो सरकार को भी Bollywood को help करना चाहिए. सरकार क्यों Bollywood को help करेगा? अगर सरकार Bollywood के अंदर superstars के पैसों को ऐसे stash करने में help कर रहा है, then the सरकार also needs to be answerable to the Indian people, because ये हमारा taxpayers money है जो बाहर के देशों के बैंक के अंदर स्टैक होता है। पीपल हैव प्रॉब्लम विद कंगनास वाइटल सिक्योरिटी, पीपल आपको प्रॉब्लम क्यों नहीं है जब इन बड़े बड़े लोगों का पैसा स्टैश अप होता है स्विस बैंक के अंदर, जब ये लोग भारत से पैसा कमा के भारत में टैक्स नहीं भरते, तब आपको प्रॉब्लम क्यों नहीं है? सो लेट्स टॉक अबाउट दैट इन द नेक्स्ट पार्लियामेंट सेशन जया बच्चन जी। टिल देन, यस, यू स्पोक एंड वी स्पोक। नमस्ते, जय हिंद, भारत माता की जय।